हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज के स्टूडियो में बात करने वाले हैं फेसबुक के एक ऐसे प्रॉब्लम के बारे में जो आज देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले हम फेसबुक को ओपन कर लेते हैं, चाहे हम फेसबुक लाइट को ओपन करें या फेसबुक को ओपन करें। तो जो भी हम ओपन करते हैं यहाँ पे हमारा पासवर्ड भी मांगता है, तो हम यहाँ पर पासवर्ड डाल देते हैं एक बार। एंड पासवर्ड डालने के बाद फिर देखते हैं कि हमारा लॉगिन हो रहा है या नहीं। तो चलिए मैं वीडियो थोड़ा सा पॉज कर देती हूँ। और अभी मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया है। पासवर्ड डालने के बाद अब मैं इसे लॉगिन करती हूँ, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे लॉगिन एरर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो सेम प्रॉब्लम हमारा जब हम इसे ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे ऐसे आ रहा है, और जब हम फेसबुक पे भी जा रहे हैं तो यहाँ भी हमारा लॉगिन नहीं हो रहा है। यहाँ पर भी जब हम जाते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरह से शो हो रहा है। एंड जैसे ही हम पासवर्ड डालते हैं तो यहाँ पर सेशन एक्सपायर्ड शो करने लग जाता है। सेम प्रॉब्लम आपका इंस्टाग्राम में भी देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पे इंस्टाग्राम को भी ओपन करके देख लेते हैं। तो जब हम इंस्टाग्राम में जाएंगे, एंड इंस्टाग्राम में अगर आपका ऑटोमेटिक खुला हुआ है पहले से, तो वो भी आपका यहाँ पे प्रॉब्लम रिफ्रेश फीड करके और फिर सेशन एक्सपायर्ड करके शो हो रहा है। तो ये कैसे ठीक होगा हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रॉब्लम है ये ऑफिशियली हुई है और हर किसी को फेस करने को मिल रही होगी। तो अगर आप यहाँ पे अपना फेसबुक का डाटा भी क्लियर करते हैं या फिर लॉगिन करके या ऐप डिलीट करके फिर से डाउनलोड करते हैं, तो यहाँ पर कोई भी मतलब इशू सही होने वाला नहीं है, क्योंकि ये सब करके देख लिया है। एंड ये जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ आप ही में नहीं है, ये सभी के आईडी में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये जो प्रॉब्लम है वो ऑफिशियली है। तो जो भी मेटा का है, यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारा यहाँ पे इसका नेटवर्क एरर हो गया है, या बोले तो किसी ने हैक करने की कोशिश की होगी या सर्वर डाउन हो गया है, जिसके चलते आपकी आईडी ओपन नहीं हो रही है। तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जब भी नेटवर्क आएगा या जब भी ऐसा प्रॉब्लम सही हो जाएगा, या तो आपके फेसबुक में नोटिफिकेशन आएगा फेसबुक की तरफ से, या फिर जो है यहाँ पर आप 1-1.5 घंटे बाद फिर से ओपन करके देखिएगा, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऐसे कई बार पहले भी हो चुका है। तो होप सो वीडियो आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।